नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में, और अक्षय तृतीया पे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बहुत ही इसका फल अक्षय हो, यानी कि कभी ना मिटने वाला हो। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान का विशेष महत्व है। आपके आसपास जो भी नदियाँ हों आप उसमें स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप घर में ही गंगा जल डालकर गंगा जल का स्नान कर सकते हैं। गंगा जल का स्नान करने के बाद आप कुछ भी दान करें, जैसे कि आप धन, अन्न, वस्त्र, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं, जिसका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना मिटने वाला। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही घर में सोना चांदी से संबंधित आभूषण या फिर कोई बर्तन या भी कोई भी अन्य वस्तु खरीदने का विधान है, जिससे कि अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इसका विशेष फल क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। ऐसी मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया पर ही हुई थी। इस बार की अक्षय तृतीया 14 अप्रैल शुक्रवार को है, मतलब 2021 की जो अक्षय तृतीया है वो 14 अप्रैल शुक्रवार को पड़ रही है। अतः आप सभी लोग इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं, अथवा आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो वो धर्म ग्रंथ आप पढ़ें, उसका फल भी अक्षय होगा। इसलिए आप सभी लोग अक्षय तृतीया मनाएं और इस दिन का विशेष लाभ लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें।